ओलंपिक में भारत की हॉकी टीम का जलवा बरकरार। क्वार्टर फाइनल में ब्रिटेन को हराकर सेमीफाइनल में बनाई जगह। अब सेमीफाइनल में जर्मनी या अर्जेंटीना से मुकाबला। वक्फ बोर्ड में बड़े बदलाव की तैयारी। इसी हफ्ते संसद में संशोधन बिल पेश कर सकती है सरकार। ओवैसी बोले, वक्फ बोर्ड को खत्म करने की कोशिश। मुस्लिम धर्मगुरुओं ने भी विरोध जताया। चंडीगढ़ में अमित शाह की हुंकार। बोले, विपक्ष को जो करना है करने दीजिए। 2029 में फिर मोदी ही आएंगे सरकार ना चलने के विपक्ष की भविष्यवाणी पर बोले, लिख कर देता हूं, पूरे 5 साल चलेगी सरकार। अयोध्या रेप पीड़िता के परिवार से मुलाकात के बाद बीजेपी डेलीगेशन का बड़ा बयान। बाबूराम निषाद बोले, पीडीए की बात करने वाले अखिलेश को इस बेटी का दर्द नहीं दिखता। ऐसी कार्रवाई होगी कि आरोपियों की 7 पीढ़ियां याद रखेंगी। अयोध्या में बच्ची से दुष्कर्म के मामले में सियासत गरमाई। अखिलेश यादव बोले, पॉलिटिक्स करने वालों का मंसूबा कामयाब नहीं होगा। केशव मौर्य का पलटवार, आप पीडीए भूल गए हो, आपको अपने वोट बैंक की चिंता। दिल्ली के खैबर पास इलाके में कोर्ट के ऑर्डर के बाद बुलडोजर एक्शन शुरू। 32 एकड़ जमीन को खाली कराने के लिए डिमोलिशन। 300 से ज्यादा लोग बेघर। मध्य प्रदेश से सरकार में मंदिर परिसर में 50 साल पुराने इमारत की दीवार गिरने से बड़ा हादसा। 9 बच्चों की दर्दनाक मौत, कई घायल। बच्चों की हालत गंभीर। मिट्टी का शिवलिंग बनाने के लिए इकट्ठे हुए थे बच्चे। हिमाचल और उत्तराखंड के बादल। जम्मू कश्मीर में भी बादल ब्लास्ट। गांधरबल में बादल फटने से तबाही। कई गाड़ियां और घर मलबे में दबे। रिहायशी इलाकों में पानी घुसा। श्रीनगर लेह नेशनल हाईवे पर बादल फटने के बाद उत्तराखंड के केदारनाथ में चारों ओर तबाही के निशान। अंतिम चरण में रेस्क्यू का काम। अब तक 17,000 लोग सुरक्षित निकाले गए। वायनाड लैंडस्लाइड में अब भी 206 लोग लापता। लगातार 6ठे दिन युद्धस्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। सेना, एसटीआरएफ और एनडीआरएफ के साथ एयरफोर्स ने संभाला हुआ है मोर्चा।